हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नीट पीजी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार यह इंतज़ार कर रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कब पोस्टपोन्ड को लेकर कोई बड़ी अपडेट आएगी, क्योंकि दोस्तों मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भी कोई नीट पीजी को लेकर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं निकल कर आ पा रही है कि जिससे एस्पिरेंट्स को लगे कि ये एग्ज़ाम जो है कंफर्म जो है पोस्टपोन्ड हो जाएगी। क्योंकि जितनी भी अभी तक मीटिंग की गई है या हो रही है उसका कोई भी स्पष्ट निर्णय यहाँ पर निकल कर नहीं आ पा रहा है। जैसे जैसे दिन जो है वो करीब आ रहे हैं एग्ज़ाम के, वैसे वैसे जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि क्या हम अपनी स्टडी पर फोकस करें और इतने कम समय में हमारी जो स्टडी है वो कैसे पूरी होगी। यहाँ पर यह भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पर दोस्तों, उम्मीदवार जो है, जो एस्पिरेंट्स हैं वो अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो उम्मीदवारों के साथ यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं करेंगे। तो क्या दोस्तों एग्ज़ाम होगी, निर्धारित समय पर होगी या नहीं होगी, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पर दोस्तों, कहीं भी ऐसी न्यूज़ निकल कर नहीं आ पा रही है ऑफिशियली तौर पर कि जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर पोस्टपोन्ड होगी, क्योंकि हर एक जगह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यही बताया जा रहा है कि जो मांगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है और इसके पक्ष में जो उम्मीदवारों की मांगे हैं उसी मांगों को यहाँ पर पूरा किया जाएगा और पूरा करने के लिए कुछ समय और चाहिए होगा, क्योंकि फाइनली जो डिसीजन है वो उम्मीदवारों के फेवर में ही आएगा। पर दोस्तों, यहाँ पर कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो अब यहाँ पर होप छोड़ रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि दोस्तों लगातार जो डेट है वो आगे आते जा रही है पर पोस्टपोन्ड को लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। क्या दोस्तों, अगर इस तरह की प्रक्रिया रहेगी तो कैंडिडेट्स कंफ्यूज भी रहेंगे और जो उन्हें प्रिपरेशन करना है वो भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है NTA PGA के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पोलिंग की माध्यम अपडेट की जाए और उसमें देखा जाए कि नंबर ऑफ रेशियो किसकी है, पोस्टपोन्ड की है कि जो निर्धारित समय पर है। क्योंकि दोस्तों हर एक जगह पर पोलिंग हो रही है, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे वो यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल हो, साथ ही यहाँ पर जो है साथ ही यूट्यूब हो, साथ ही यहाँ पर ट्विटर हो, हर एक जगह पोलिंग की जा रही है। पर नीट पीजी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जो है एक जो है यहाँ पर जो पोलिंग का सिस्टम होना चाहिए और उसके अंदर वही एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पर वोटिंग कर पाएंगे जिन्होंने इसके लिए फॉर्म फिल किए हैं, यानी कि जिनके पास अपनी रजिस्ट्रेशन ID है वही इसके अंदर जो है अपनी मांगों को बताएंगे और यहाँ पर देखा जाएगा उसके अनुसार, उसके रिगार्डिंग कि किस चीज़ की मांगे हैं। अगर दोस्तों मांगे जो हैं पोस्टपोन्ड की है तो उसे पोस्टपोन्ड करना चाहिए, अगर मांगे पोस्टपोन्ड ना करने की है तो पोस्टपोन्ड नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों, उम्मीदवार को इस तरह से कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उम्मीदवारों की मांगे हैं वो बिल्कुल ही जायज़ हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को एक अपडेट देने वाला हूँ कि हो सकता है कि मिनिस्ट्री की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी के लिए आज कुछ बड़ी जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर आनी चाहिए। और दोस्तों, इस राय के अनुसार आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक जगह पोलिंग कराई जा रही है, अगर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पोलिंग कराई जाएगी और साथ ही वही उम्मीदवार उसके अंदर पोलिंग में सिस्टम में जो भाग ले पाएंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन ID है वही उसके अंदर पोल कर पाएंगे और इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो भी समझ जाएगी कि जो मांगे हैं वो किस चीज़ के लिए हैं और क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी की जो पता है कि क्यों मांगे हैं और उम्मीदवार इस चीज़ की क्यों मांग कर रहे हैं, तो इस तरह से फाइनली उन्हें पता भी चल जाएगा कि जो उम्मीदवारों की मांग है वो बिल्कुल ही जायज़ है। क्योंकि दोस्तों अभी तक पोस्टपोन्ड की न्यूज़ नहीं आना वो एक बहुत ही बड़ी जो है कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, क्योंकि दोस्तों कई सारे ऐसे लेटर लिखे गए हैं मेंबरों द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, साथ ही दोस्तों यहाँ पर MLA द्वारा, साथ ही बड़े लीडरों द्वारा, BJP लीडर के द्वारा भी, पर उन सभी का कोई भी अभी तक स्पष्ट रिप्लाई नहीं आ पाया है। तो एक और अपडेट है जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ कैप्टन GS लाठी की तरफ से, जिसमें कि बताया गया है कि रिक्वेस्टिंग की गई है ऑनरेबल मिनिस्टर से, यहाँ पर देते हैं कि रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ पर फॉर व्यू इंडिया डॉक्टर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो रिक्वेस्ट की जा रही है ऑनरेबल मिनिस्टर से मनसुख मांडिया जी से कि उनसे कि टू द रिलीज नोटिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू NEET PG 2022 एंड NEET PG 2022 डिफरेंट एंड #, यहाँ पर NEET PG MDS 2022 एट द अर्लियर एवरी सिंगल NEET PG एस्पिरेंट्स टू इंगेज कंटिन्यू ऑन यू एंड वी नो यू विल नेवर लेट्स डेम डाउन।
यानी कि दोस्तों उनके तरफ से यह रिक्वेस्ट की गई है उन्हें टैग इन कर कर कि आज जो है कोई भी जो है मिनिस्ट्री की तरफ से कोई अपडेट आना चाहिए इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि लगातार यह कन्फ्यूज़न बढ़ती जा रही है और इसके तरफ से कोई भी अगर अपडेट नहीं आता है तो उम्मीदवार एक या दो दिन के बाद यही समझेंगे कि जो एग्ज़ाम है वो अपने निर्धारित समय कराई जाएगी, जैसा यहाँ पर NBC ने कहा है। क्योंकि दोस्तों NBC ने साफ साफ यह स्पष्ट कर दिया है कि जो एग्ज़ाम है वो अपने निर्धारित समय पर होगी, पर दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगर दोस्तों हेल्थ मिनिस्टर अगर चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड होगी तो वो काफ़ी ईजिली तौर से यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो जाएगी। पर दोस्तों आज जो है GS लाठी जी की इस पर अपडेट आई है कि आज जो है मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट जानी चाहिए, क्योंकि नीट एस्पिरेंट्स को पूरा उन पर विश्वास है कि जो उनकी फेवर है, जो उनकी मांगे हैं वो बिल्कुल ही जायज़ है और उन मांगों को यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री द्वारा पूरा किया जाएगा। तो इसका यहाँ पर होप लगाया गया है, क्योंकि दोस्तों अनुमान यही लगाया जा रही है, चाहे वो NDTV हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे वो टाइम्स ना हो, चाहे वो हिंदुस्तान, उस पर सब पे यही बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के फेवर में ही यहाँ पर जो है निर्णय आने वाला है। तो इस चीज़ का दोस्तों आप सभी को आज जो है कुछ समय आज जो है और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इसकी रिलीजिंग नोटिफिकेशन आने वाली है। क्योंकि दोस्तों संभावना क्या है, कितने हैं, वो यहाँ पर देखा जा रहा है ट्विटर हैंडल के माध्यम से कि यहाँ पर जो आप सभी की चांसेस हैं पोस्टपोन्ड की पर पूरी है। पर दोस्तों यहाँ पर जो है हेल्थ मिनिस्ट्री का जो फैसला है वो अंतिम है, क्योंकि आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे वो लीडर हैं, वो सब एक प्रयास ही कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों जैसे ही इसके बारे में कोई भी फेवर आता है आप सभी को ज़रूर बताया जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो भी लीडर आप सभी के साथ खड़े हैं उन सभी का यहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड को लेकर, क्योंकि लगातार डेली रात को यहाँ पर जो है ट्विटर पर एक सजेशन चलाई जाती है और उसके अंदर कितनी सजेशन है और क्या चांसेस है पोस्टपोन्ड की, इन सभी पे बात की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इनके तरफ से अभी यही था GS लाठी सर की तरफ से कि जिसमें बताया गया है कि नोटिफिकेशन जो है आज जो है जारी होने की पूरी संभावना हो सकती है, क्योंकि दोस्तों उनके मिनिस्ट्री पे एस्पिरेंट्स को पूरा विश्वास है कि वो अपने उम्मीदवारों के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे। अगर दोस्तों उन्हें इस पोल पर, फेसबुक या ट्विटर के पोल पर नहीं विश्वास है तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर और वही उम्मीदवार पोल करेंगे जो उम्मीदवार के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वही पोल कर उन्हें यह स्पष्ट कर पाएंगे कि इस एग्ज़ाम को अभी होना है या नहीं होना है। तो दोस्तों आज जो है यहाँ पर पूरे चांसेस हैं शाम तक जो है हर एक एस्पिरेंट्स को यह पता चल जाएगा कि यह एग्ज़ाम अभी होगी या नहीं होगी दोस्तों यह चीज़ को लेकर। तो दोस्तों अभी तक की ये अपडेट थी जो हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक शेयर किया गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।